हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने खड़ी हुई है ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 125। दोस्तों, फाइनली आपका पुराना वाला द समीर व्लॉग्स एंड द बाइकर समीर वापस आ चुका है। दोस्तों, अब वापस से राइड रिव्यू में काम करेंगे। काफ़ी दिन हो गए थे राइड रिव्यू नहीं कर रहे थे, बट फाइनली दोस्तों अब वापस आ चुके हैं। आपको बैक टू बैक राइड रिव्यू वीडियो मिलते रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ड्यूक 125 का कंप्लीट राइड रिव्यू करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आपको सारी चीज़ें इस बाइक के बारे में कंप्लीट बताऊंगा कि क्या प्राइस है इसका, क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसा ये परफॉर्म करती है, सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ड्यूक 125 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ड्यूक 125 डायरेक्ट मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। ये ऑन रोड प्राइस अराउंड हमारे यहाँ 2,05,000 रुपीज़, 2,05,000 रुपये के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले दोस्तों इसके एक्सरूम प्राइस के बारे में, तो वो लगभग 1,72,000 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। ड्यूक 125 में आपको 124.71 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक DOSC 4 वालों जो इंजन है वो आपको मिलेगा। ये बाइक मैक्सिमम पावर में अराउंड 14.5 के आसपास की PS पावर जनरेट करती है एंड लगभग 12 के आसपास का जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपको ड्यूक 125 में देखने को मिल जाता है। मतलब अपने सेगमेंट में आपको काफ़ी अच्छी पावर निकाल कर देती है। इतनी पावर किसी और 125 बाइक में नहीं मिलती। हालांकि बाइक का प्राइस भी है, मैं जानता हूँ, बाकी फिर भी पावर तो है। बाकी बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन मिलता है, देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा सा रेडिएटर यहाँ पे यूज़ किया गया है। इंडियन मार्केट की एक लौती ऐसी 125 है बाइक है जिसमें आपको लिक्विड कूल इंजन मिलता है। बाइक दोस्तों 6 गियर के साथ में आती है। जी हाँ दोस्तों, नंबर ऑफ 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको बाइक में मिलेंगे। स्लीपर क्लच नहीं मिलता, वेट मल्टीप्लेट क्लच के साथ में ये बाइक आती है। बाकी आप इसे BS6 नॉर्म्स भी कह सकते हैं, सॉरी BS7 नॉर्म्स फिलहाल है नहीं, जो कि OBD2 सेंसर, वो भी BS7 नॉर्म्स नहीं है एक्चुअल में, बट आप उसे कह सकते हैं। तो उसमें कोई अपडेट भी नहीं है, बस एथेनॉल फ्यूल को सपोर्ट करेगी। फ्रंट में आते हैं, ये बाइक के सस्पेंशन है जो कि 43mm के USD यानी कि अपसी डाउन सस्पेंशन कंपनी ने दिए हैं, जो कि विच इज़ वेरी वेरी प्रीमियम सस्पेंशन यहाँ पे कंपनी यूज़ की गई है। फ्रंट में बाइक में आपको 110/70 के टायर साइज देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में आपको ड्यूक 125 में सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और आपको बताना चाहूँगा, इंडियन मार्केट की एक लौती ऐसी 125 बाइक है ये जिसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, यानी कि ABS, वरना किसी और 125 बाइक में आपको ABS नहीं मिलता। प्लेट साइज़ भी बहुत बड़ी है, 300mm की प्लेट मिलती है, 4 पिस्टन कैलिपर्स मिलते हैं। ब्रेकिंग इसकी आपको काफ़ी प्रीमियम मिलेगी। बात कर लें इसकी लाइटिंग्स के बारे में। लाइट्स में दोस्तों देख पा रहे हैं, सबसे पहले बाइक में आपको फ्रंट में ये LED जो DRL लाइट है वो आपको बाइक में मिलता है, एंड मेन लाइट में बाइक में आपको नॉर्मल हैलोजन जो लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट कंपनी को इसमें अब LED लाइट यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। टेल लाइट की तरफ आते हैं, टेल लाइट में आपको रियर में LED टेल लाइट देखने को मिलती है, ठीक है। एंड रियर में आपको बाइक में WP के मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है। रियर में आपको बाइक में 150/60 के टायर साइज देखने को मिलेंगे। रियर की ब्रेकिंग प्लेट 230mm के आसपास की आपको बाइक में मिल जाती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले आप इसकी सीट देख लीजिए। बाइक में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको 13.5 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। इसकी की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की की मिलती है। बात करते हैं स्पीडोमीटर के बारे में। इसमें दोस्तों आपको फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे। जैसे ये आपका स्पीडोमीटर, ये RPM मीटर है, यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, ABS, ये आपका इंजन टेम्परेचर है, क्लॉक, फ्यूल इंडिकेटर, और क्या क्या चीज़ें मिलेगी इसमें, कैन ABS, एक्चुअल FC, कितना माइलेज दे रही है, ट्रिप 1 ट्रिप 2, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। RPM लिमिटर, पास सीज, लो बीम, हाई बीम, टर्न सिग्नल लैंप, हॉर्न, इंजन के सीज, सेल्फ कॉसीज आपको मिल जाता है। तो ये सारे फीचर आपको ड्यूक 125 में मिलेंगे। इसकी जो सीट हाइट है दोस्तों वो है अराउंड 822mm के आसपास की, मतलब आपके हाइट अराउंड 5.2 सुपर है तो भी आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। बाकी आपको ये कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मैं उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
चलिए अब चलते हैं दोस्तों राइड रिव्यू में। राइड रिव्यू में बहुत बातें करेंगे, ये छोटा सा बैकग्राउंड था। चलिए मैं आपको मिलता हूँ मोटर ब्लॉगिंग में। सो चलिए दोस्तों अब इस बाइक को राइड करते हैं एंड राइड करके फील करते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है ड्यूक 125। क्या 125 सेगमेंट में एक्चुअल में दम है या नहीं है, ये सारी चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हाइट के बारे में। तो मेरी हाइट है अराउंड 5.4, तो मेरे पैर इधर इतने पहुंच रहे हैं ऑलमोस्ट, और ये टील है ऐसे है, ठीक है। आपकी हाइट अराउंड अगर 5.5 या उससे ऊपर है तो आप इजीली इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले एग्जॉस्ट नोट ले लीजिए, एग्जॉस्ट नोट इज गुड। चलो सबसे पहले थोड़ा सा खींच के देखते हैं, पावर तो है भाई। KTM की कोई भी बाइक हो, चाहे वो 125 हो चाहे वो 390 हो, आपको कभी भी ना पावर का कोई फर्क नहीं मिलेगा। मतलब कि 125 सेगमेंट के हिसाब से ये काफी अच्छा पावरफुल, मतलब पावर परफॉर्म कर रही है 125 सेगमेंट में। किसी और बाइक में आपको इतनी पावर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और अगर दोस्तों देखा जाए तो 125 सेगमेंट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा, अगर आप अदर सेगमेंट में जाते हैं तो आपको इसकी जगह पे एक 200 सेगमेंट की बाइक भी मिल सकती है। बट फिर भी कंपनी ने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से जो है डिज़ाइन किया है ताकि यहाँ पे इसे अच्छा परफॉर्म कर सके। हालांकि DSC इंजन है, KTM का इंजन है, तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। बिल्कुल भी आपको इंजन वाइब्रेशन या बॉडी वाइब्रेशन जो है इस बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका भी जो एक एडवांटेज है वो आपको ड्यूक 125 में देखने को मिल जाता है, जो कि ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये भाई मानना पड़ेगा ड्यूक 125 के बारे में। बाकी दोस्तों ऑलवेज वियर हेलमेट, राइडिंग जैकेट, ग्लव्स पहना करो। भाई मैं ग्लव्स नहीं पहना उसके लिए सॉरी, बट हमेशा सेफ्टी से राइड किया करो। और आपको पता ही है हमारे जो प्रो राइडर भाई है उनका जो है देहांत हो गया कल की डेट पे यार, तो प्लीज़ यार थोड़ा ध्यान से बाइक चलाया करो, है ना। और यार मेरे से बात करने के चक्कर में मैंने सिग्नल तोड़ दिया, बताओ मेरा ध्यान ही नहीं था सिग्नल पे, आई एम सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, ध्यान ही नहीं था मेरा बात करने के चक्कर में। ये मोटो ब्लॉगिंग के कारण ऐसा होता है यार, मानो या ना मानो। चलिए इसे थोड़ा सा खींच के देखते हैं ऐसा परफॉर्म कर रही है। हिसाब से तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाँ अगर देखा जाए तो 125 के हिसाब से कंपनी ने इसे काफी अच्छी तरीके से जो है डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों क्योंकि 125 सेगमेंट में कोई और आप ऐसी बाइक देखेंगे इस सेगमेंट में तो आपको नहीं मिलेगी। इसका आपको सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपको बताना चाहूँगा इसमें आप लोगों को लिक्विड कूल इंजन भी मिलता है और 6 गियर भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बाइक में आपको पता है कि फ्रंट में इसमें आपको USD फोक सस्पेंशन देखने को मिलता है, तो उससे बाइक में देख पा रहा हूँ उसकी जो सस्पेंशन है काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हैं। USD फोक जो सस्पेंशन है वो कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसका जो है डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये जो चीज़ें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्लस दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो सस्पेंशन क्वालिटी मैं फील कर पा रहा हूँ जब मैं राइड कर रहा हूँ, तो हाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमें जो कोई भी यहाँ पे जर्क जो है महसूस नहीं हो रहा, जैसे कि कोई गड्ढे आते हैं तो जर्क होता है, वैसा भी कोई भी जर्क जो है फिलहाल अभी तक मुझे जो है महसूस नहीं हुआ है। और आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा भाई, WP जो है ना एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी सस्पेंशन में आती है, इनकी सस्पेंशन क्वालिटी में बहुत दम होता है, तो ये भी एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा इस बाइक में। बाकी स्विचेस के बारे में बात करें तो ये पास इज लोबिंग हैविंग टर्न सिग्नल लैंप हॉर्न इंजन किल्सी सेल्फ पसीज आपको मिलता है, जो कि स्विचेस क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बाइक में फुली डिजिटल मीटर है और क्या धूप में ये विजिबल है, तो आप देख पा रहे हैं अभी कितनी धूप है और बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। विजिबिलिटी जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी ड्यूक 125 में देखने को मिलती है इसके स्पीडोमीटर में। हालांकि लाइट को लेकर थोड़ा सा इशू हो सकता है, लाइट जो है कंपनी ने इसमें LED नहीं दिया है, तो वो आई थिंक इसमें LED होना चाहिए था, तो ये जो लाइट है थोड़ा और बेटर परफॉर्म कर पाती एज़ कम्पेयर टू हॉरिजन। और आपको पता ही है भाई हर ब्रांड जो है अभी LED में काम कर रहा है। और मिरर की जो बाइक व्यू की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बाइक व्यू काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी जो हैंडलिंग है दोस्तों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है,
बहुत अच्छी कंफर्टेबल हैंडलिंग यहाँ पे KTM वालों ने इस बाइक में दी हुई है। ये चीज़ भी मैंने नोटिस किया कि इसकी जो हैंडलिंग ऐसे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से जो है बनाया हुआ है। और स्टेबिलिटी देखो भाई, क्या क्या स्टेबल है बाइक, कैन सी कितनी ज़्यादा स्टेबल है। तो भाई जो स्टेबिलिटी है उससे भी KTM ने काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान दिया हुआ है इस बाइक में। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ड्यूक 125 में काफ़ी अच्छी मिलेगी। हालांकि 125 सेगमेंट के हिसाब से तो इस बाइक के जो मतलब टक्कर में कोई बाइक है ही नहीं मार्केट में। हालांकि इसका प्राइस भी ज़्यादा है, जितनी इसकी प्राइस है उतनी प्राइस में तो दोस्तों आप आराम से एक 200cc बाइक भी खरीद सकते हैं। बट फिर भी उन सब चीज़ों में भी देखा जाए तो बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी उन्होंने बनाई हुई है। बाकी यार अगर 125 में आप एक प्रीमियम बाइक चाहते हो तो आप इसको ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बाइक का माइलेज, ये आपको ऑलमोस्ट कम से कम 50-55 के आसपास का जो माइलेज है इजिली निकाल कर दे देती है। तो माइलेज के मामले में भी जो है बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए इसी रीज़न से ना इसकी सेलिंग होती है, नहीं तो KTM की कोई भी बाइक माइलेज नहीं दे पाती जितना ड्यूक 125 देती है। अब हमारी एक ऐसी भी सोच होती है कि हम एक ऐसी बाइक ले ले जो चीज़ हमें वो चीज़ मिल भी जाए और वो चीज़ मिलने के बाद जो है माइलेज भी ज़्यादा ना देना पड़े और प्राइस भी ज़्यादा ना देना पड़े। तो उन सारी चीज़ों को ये बाइक बहुत अच्छा कवर अप कर पाती है। तो इन सभी रीज़न की वजह से दोस्तों ड्यूक 125 की मैं सेलिंग में देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल जा रही है। बाकी दोस्तों अगर बात करें इसके ब्रेकिंग के बारे में तो एक बार इसकी ब्रेकिंग टेस्ट करके भी देखते हैं कि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा है। यू कैन सी मैंने एकदम जोर से हार्डली मारा था, थोड़ा भी स्लिप नहीं हुई। एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ देख पा रहे हो बिल्कुल भी स्लिप ही नहीं है। और जो टायर जो MRF है ना भाई वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी जो है ये लोग मतलब जो MRF के टायर है काफ़ी अच्छी जो ग्रिपिंग है वो आपको ये बाइक निकाल कर देंगे MRF के टायर। तो इसका भी जो एक एडवांटेज है दोस्तों आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली बात है भाई सेफ्टी फर्स्ट, बाइक में अगर पावर है तो सेफ्टी भी होनी चाहिए। तो ड्यूक 125 इस मामले में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इस मामले में भी एक बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बाइक निकल के आती है। बाकी दोस्तों आप लोगों को ड्यूक 125 कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ना आप लोगों को क्या लगता है ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको और कौन कौन सी बाइक का राइड रिव्यू चाहिए प्लीज़ यार ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों बाइक अच्छी है एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा निकाल कर दे रही है। चलिए अब इसे थोड़ा खींच के देखते हैं। 125 बाइक में क्या ही जान होगी, जितनी ये जान आपको निकाल कर दे रही है भाई वो कोई कम नहीं है, काफ़ी अच्छी जान आपको ये निकाल कर दे रही है। तो ऑब्वियसली बात है इतना अच्छा पावर आपको एक 125 सेगमेंट की बाइक दे सकती है तो फिर भाई मैं तो ड्यूक 390 राइडर हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हो कि 390 मैं चलाता हूँ तो भाई वो क्या परफॉर्म करती होगी, वो तो 390 है। बाकी ये है कि यार KTM की बाइक अच्छी होती है, एज पावर देखें तो बहुत अच्छी है। और मैं हमेशा कहता हूँ जो छपरी होता है वो एक और मैं भाई हमेशा कहता हूँ कभी भी कोई बाइक छपरी नहीं होती, छपरी वो होता है जो इंसान होता है जो उस बाइक को चला रहा होता है, बाइक कभी छपरी ना होती। और जो लोग छपरी बोलते हैं KTM राइडर को उनसे सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई तुम्हारी खुद की औकात है एक्टिवा चलाने वाली, तुम KTM की टेक्नोलॉजी से परे हो, तुम नहीं समझ पाओगे तो तुम छपरी ही बोलोगे। एक बहुत बड़ी कहावत है ना कि इंसान अगर किसी चीज़ को खरीद नहीं पाता है तो उसे बदनाम करता है, उसकी बराबरी नहीं कर पाता तो भी वो उसे बदनाम करता है, ये वही वाली कहानी है। बाइक जो है बहुत बेहतरीन भाई मुझे देखने को मिलती है और 125 सेगमेंट के हिसाब से एक बेहतरीन चीज़ जो है आपको वो KTM की तरफ से देखने को मिल जाता है। ताकि दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको ड्यूक 125 कैसी लगती है और वापस से राइड रिव्यू में आपको कैसा लग रहा हूँ ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो यहाँ पे करते हैं एंड।